शिव भक्त हैं तो यकीनन आपने भी सदगुरु के आश्रम के बारे में और वहाँ पर आदि योगी की उस महान कलाकृति के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो देखिए किस तरह सास बहू और साजिश के साथ पहुँचे हर्षद चोपड़ा जी हाँ करने शिव आराधना। बंद कर जब भक्त ओम का उच्चारण करते हैं उस वक्त शरीर को एक अलग ही ऊर्जा मिलती है। मन में महादेव की साधना लिए महाशिवरात्रि के दिन आप सबके प्यारे यानी कि हर्षद चोपड़ा पहुंच गए हैं कोयम्बतूर सदगुरु बाबा के आश्रम में। जब आदि गुरु के पास पहुँचे तो वहाँ पर पूजा का भी बंदोबस्त किया गया था। अब इतनी दूर आए हैं तो जल से अभिषेक तो जरूर करेंगे ही, ये मौका सबके साथ साथ हर्षद को भी मिला। अब तक तो हमको आदत हो गई होगी प्रणाम करने की। नमस्कारम महाशिवरात्रि, हैप्पी महाशिवरात्रि। सबसे पहले आदि योगी के सामने मंडे को शिवरात्रि पे क्या फील हो? बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक टू मेनी कोइंसिडेंस। एक तो मंडे को महाशिवरात्रि बहुत दिनों बाद आई है। मैं पहली बार इतना इट्स ग्रैंड, इट्स हैंडसम, इट हैज अ इफेक्ट ऑन यू एंड आई एम होपिंग कि आई डोंट नो, आई फील लाइक दिस डे इज गोना चेंज लाइफ। ग्रैंड हैंडसम, आप उनके सामने बैठते हैं तो आपको वाइब्रेशंस फील करते हैं कि वो वहां हैं। यस, और आज रात को भी, आज तो यहां पर जश्न है। अब इस बार शिवरात्रि बहुत खास भी है क्योंकि शिव जी के दिन यानी कि सोमवार को शिवरात्रि आई है। कहते हैं ना, अच्छा वर पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत करती हैं लड़कियां। तो भाई हर्षद, अगर हम इसी बात को उल्टा घुमा दें तो जरा आप बताइए, अच्छी पत्नी पाने के लिए क्या आपने आज व्रत रखा है? लड़की के लिए? हाँ मैं रख लूंगा, आज मैं व्रत रखूंगा। आई वॉन्ट सुंदर सुशील, तो ऐसी लड़की जो बहुत सालों से सोमवार के व्रत रख रही हो, सुंदर सुशील। अब योग की गोल गोल घुमाकर बातें करना तो आपकी पहले से ही आदत है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं बाबा सदगुरु का आश्रम योग के लिए जाना जाता है, तो क्यों ना शुरुआत योग से ही करें? बोलिए हर्षद, आपके क्या विचार हैं? योग करने से मन को जो शांति मिलती है वो शांति कहीं नहीं होती है। जैसे ही इस आश्रम के अंदर कदम रखे सबसे पहले नजर जाती है महादेव की इस मूर्ति पर।
फील करते हैं कि वो कहाँ है। यस, और आज रात को भी, आज तो यहाँ पर जश्न है, जश्न एक बार दिखा। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर परफॉर्मिंग टुडे, एंड जरा दिखाओ कितने लोग यहाँ पर। आई थिंक 5-6 लाख एक्सपेक्टेड। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्टेडियम, जो स्टेडियम हम देखते हैं ना, एंडलेस पीपल लाइक हरिहरन एंड अमित द्विवेदी एंड अ लॉट ऑफ पीपल। इनफैक्ट यहाँ पर जो स्कूल है संस्कृति स्कूल, उनके बच्चे भी, वहाँ के बच्चे भी परफॉर्म कर रहे हैं। कल हम लोगों ने देखा था उनका प्रिपरेशन, एंड आई थिंक इट्स गोना बी अ, एंड वी हैव टू बी अवेक फ्रॉम 6 PM to 6 AM and we all will be here। आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं इस आश्रम के किचन में, जहाँ पर सब्जियों को देखकर आपको लगेगा कि ये कोई मंडी है। ये अनाज देखा आपने, ये देखिए कद्दू इतने सारे। फिर वो देखिए केले। आई विल गो देयर। ये देखिए कद्दू, ये देखिए केले, एक बार जरा दिखाना। जैसा कि आप देख सकते हैं, बाहर आइए, बाहर आइए, ये जो इतना सारा खाना आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कोई मार्केट नहीं है, ये कोई बाजार नहीं है। हम लोग आए ईशा फाउंडेशन, और यहाँ पर ये जितने लोग काम कर रहे हैं, ये सब वॉलेंटियर, मतलब खुद अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। एंड हेलो, आप में से किसी को भी हिंदी आती है? अरे आती है हिंदी, क्या मैं आप लोगों के साथ मटर छील सकता हूँ? नहीं, ये तो बरबट्टी है। No, it's French beans. Is barbatti, no? Yog, yog, yogeshwaraya. Bhoot, bhoot, kaleshwaraya. Kal, kal, kaleshwaraya. Shiva, shiva, sarveshwaraya. Shiva, shiva, sarveshwaraya. यहाँ पर जितने भी वॉलेंटियर्स आते हैं, उनका काम बटा हुआ होता है। कोई सब्जी काटता है, तो कोई सब्जी छिलता है, तो कोई यहाँ पर सारा मैनेजमेंट देखता है। आश्रम में स्वादिष्ट पकवान भी बनते हैं, जिसकी महक से सच में मुंह में पानी आ गया है। मेहनत की है अभी, ये अभी मैंने सब्जियों को तैयार करने में मेहनत की है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर जाने वाले हैं, यहाँ पर ये खाना, सब्जियों को बनाया जाएगा और ये खाना बनेगा, और उसके बाद मैं खाऊंगा भी। चलिए, अब इतना लजीज खाना देख कर मुँह में पानी तो आएगा ही। यहाँ पर कड़ी भी है, दाल खिचड़ी भी है, और गर्मा गर्म रोटी भी, और हाँ, यहाँ की मशहूर नारियल वाली चटनी भी। और यहाँ पर बहुत सारे स्पेशल पकवान भी हैं। तो हर्षित, देर किस बात की है, चलिए ना थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते हैं। महाशिवरात्रि के दिन इतना भव्य नजारा देखकर हर्षद तो आज सच में बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। अब इनकी ये खुशी आगे भी यूं ही बरकरार रहेगी, क्योंकि कल के दिन भी हम आपके लिए एक कुछ स्पेशल लेकर आने वाले हैं। अब सास बहु साजिश के साथ हर्षद चोपड़ा होंगे, तो भाई हर दिन स्पेशल तो होगा ही, तो इंतजार कल तक का जरूर कीजिएगा। कोयम्बतूर से कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ विभा कॉल भट्ट की रिपोर्ट।
ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। वैसे महादेव को ना भोलेनाथ भी कहा जाता है, ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि इतने भोले हैं महादेव कि असुरों की पूजा आराधना से भी खुश होकर उनको वरदान दे दिया करते थे। लेकिन भोलेनाथ का हर रूप जो है वो मनमोहक है, और भोला सा पिया का नन्ना मुन्ना, यानी नज़र की पिया का नन्ना मुन्ना किस तरह अपनी माँ के साथ, टीवी वाली माँ के साथ नहीं, अपनी असली माँ, जन्म देने वाली माँ के साथ कर रहा है शिव भक्ति, आइए दिखाते हैं। हैं बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं, तो आज हम आपको कुछ ऐसा ही नजारा दिखाएंगे जब ये नन्हा मुन्ना गोलू मोलू सा बच्चा भोले बाबा का अभिषेक करेगा, उनकी पूजा अर्चना करेगा और उनका आशीर्वाद भी लेगा। मुन्ना को अब तक तो आप पहचान ही गए होंगे, अंश और पिया का मुन्ना है ये, जिसे अद्भुत शक्तियाँ भी प्राप्त है। लेकिन शिवरात्रि के महापर्व पर मुन्ना अपनी असली माँ की गोद में बैठकर महादेव की पूजा कर रहा है। जल से बाबा का अभिषेक किया, फिर महादेव को फूल और बेल पत्र अर्पित किए और फिर बाबा की आरती भी उतारी। शिवरात्रि के मौके पे मुन्ना ने आज पहली बार पूजा की है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। मुन्ना ने आज मस्ती बहुत की है और पूजा भी एकदम अच्छे से की है और शांति से की है। शिव जी की ताकत है इसमें बहुत। पूजा तो मुन्ना ने बड़े अच्छे से की है, लेकिन लगता है मुन्ना को ये माइक बड़ा पसंद आ गया है, इसीलिए तो हमसे बात करते वक्त मुन्ना का पूरा ध्यान इस माइक की तरफ था। मुन्ना मेरी और मुन्ना की तरफ से आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मुन्ना बम बम भोले, बम बम भोले, बोल बम बम भोले। प्यारा सा मुन्ना है ही कुछ ऐसा जिससे किसी की नजर हटती ही नहीं है, और नजर में मुन्ना क्या बड़े बड़े कारनामे कर रहा है वो तो हम आपको बताते ही रहते हैं। तो इस शिवरात्रि महादेव का आशीर्वाद लेकर मुन्ना जल्द ही डायनो का खात्मा भी कर देगा। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। वे
वैसे शिव जी के द्वार में जो पहुंचता है यकीन मानिए उसकी हर समस्या का समाधान हो जाता है। तभी तो हमारे ओमकार अपने ससुर जी के साथ जहां पहुंचे हैं शिव जी की आराधना करने, वहीं नैना जो है शादी के बाद अपने ससुराल में पहली शिवरात्रि मना रही है। आज महाशिवरात्रि है और जिसकी हम शूट कर रहे हैं, इसलिए मैंने महाशिवरात्रि सेट पे बनाई है विद ऑफकोर्स एबीपी। तो मैंने यहाँ पे पूरी कोशिश की है कि मैं पूजा अच्छे से करूँ। होप एंड आई विश कि शिव जी मुझसे इम्प्रेस हुए हैं। और मैंने यहाँ दूध का इस्तेमाल नहीं किया, जो अभिषेक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आई बिलीव कि दूध ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शिवरात्रि बहुत बड़ा हमारा त्यौहार है, हमारा पर्व है भारतवर्ष का, तो इसीलिए हम आज शिव मंदिर आए हैं और भगवान शिव की आराधना करेंगे। साथ में मैं इसको भी लेके आया हूँ, नाम ओंकार है, ओम नमः शिवाय। एक भी गुण नहीं है, खाली इतना ही जानता है ओम नमः शिवाय करना, कोई गुण नहीं है, बहुत ही संस्कारविहीन है। लेकिन आज इसके संस्कार की परीक्षा लूँगा मैं, ताकि मेरी परीक्षा में खरा उतरता है कि नहीं उतरता है, क्या क्या विधि विधान जानता है पूजा के बारे में, अर्चना के बारे में, शिव पाठ के बारे में, शिव तांडव के बारे में, रुद्राष्टक के बारे में, ये सब परीक्षा आज मैं लेने वाला हूँ। मज़ा आ गया आज। आज ज्योतिर्लिंग की ऐसी पूजा, ऐसी आराधना मैंने कभी नहीं की थी। आज तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। महाशिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। हर हर महादेव। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जी हाँ, तो आप जहाँ देखेंगे वहाँ बस महादेव के नाम का बोलबाला है। और ये सिर्फ धरती लोक पर नहीं है, जी हाँ, स्वर्ग लोक में भी भगवान सिर्फ और सिर्फ महादेव का नाम जाप कर रहे हैं। अब देखिए किस तरह राधा कृष्ण में श्री कृष्ण ने लिया महादेव का रूप और आ गया तूफान। Thank you.
शिव महिमा अपरंपार है, उसी महिमा की एक झलक आज श्री कृष्णा हम सबको दिखाने वाले हैं। महाशिवरात्रि की झांकी की कहानी गोकुलवासी देखने आए हैं। इस झांकी में जैसा कि हम सब देख रहे हैं श्री कृष्णा महादेव बने हैं, तो वही चंद्रावली पार्वती बनी है। अपने कान्हा की दुल्हन चंद्रावली को बना देख आज राधा का मन सबसे ज्यादा दुखी हुआ है। लेकिन राधा ये नहीं समझ पा रही है कि ये तो केवल झांकी है, जिस झांकी में महाशिवरात्रि के मौके पर शिव पार्वती का विवाह होगा। ईर्ष्या इस बाधा को लेके बहुत टेंशन माउंट हो चुकी है शो में, एंड उसको कैसे ये किया जाए उसके अराउंड ये स्टोरी अभी रिवॉल्व होगी, तो उसमें ही महाशिवरात्रि भी उसी टाइम पे आ रही है, तो वो कैसे कहाँ पे क्या चीजें कैसे मैच होंगी ये आप प्लीज देखिएगा। गोकुलवासी जितने खुश हैं राधा उतनी ही दुखी है। गाजे बाजे के साथ नंदी पर बैठकर महादेव की बारात आई। और उसके बाद महादेव और पार्वती ने एक दूसरे को वरमाला भी पहनाई। लेकिन ये क्या, जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई यहाँ पर तो तूफान आ गया। जटिल ने राधा को कुछ इस कदर भड़काया कि राधा गुस्से में आ गई और उसका गुस्सा ये तूफान बयां कर रहे हैं। ये तूफान नहीं बल्कि राधा का आक्रोश है। कृष्ण जो भी कर रहे हैं वो शायद 100 में से 100 लोगों को सही ना लगे, प्रैक्टिकल ना लगे, 100 में से 100 लोगों को शायद वो तरीका सही ना लगे, क्योंकि हर एक का अपना अपना दृष्टिकोण होता है। यू कांट एक्सपेक्ट एवरीबडी टू अंडरस्टैंड व्हाट एवर यू आर डूइंग। और कृष्ण जी की लीलाएं ऐसी हैं कि जब तक खत्म नहीं होती, पूरी नहीं होती, तब तक समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली ये हो क्यों रहा है। कृष्ण भगवान को जब महादेव का रूप लेना पड़ा तो वो सच में कहीं से भी कृष्ण नहीं लग रहे थे। अब सुमेध कृष्णा तो हर दिन बनते हैं, लेकिन जब उन्हें महादेव बनना पड़ा तो देखिए महादेव बनने की तैयारी में उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। अब इस झांकी में महादेव और पार्वती के विवाह में जो तूफान आया है उस तूफान को शांत करने के लिए स्वयं महादेव को ही प्रकट होना पड़ेगा। तो महादेव जी आप कहाँ हैं, जल्दी से प्रकट होइए, क्योंकि राधा के गुस्से को आप ही शांत कर सकते हैं। गांव से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ स्नेहा शर्मा की रिपोर्ट। ये है
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सितारा में भी लीजिए मनाया जा रहा है शिवरात्रि का त्योहार, और शिवरात्रि के त्योहार पर किस तरह हमारी सितारा ने अघोरियों की जान बचाई विष पीकर, आइए दिखाते हैं। शिवरात्रि पर विषकन्या बन गई है नीलकंठ। अब आप सोचेंगे कि अब तक तो नीलकंठ सिर्फ और सिर्फ महादेव को ही कहा जाता था, लेकिन शिवरात्रि पर सितारा ने ये कारनामा भी कर दिखाया है। अघोरी बाबा के हाथ से दूध का पात्र छीनकर सितारा ने जो ही पिया हर कोई सकते में आ गया। अब इस दूध में विष है, ये बात सितारा कैसे बताती? वो तो भला हो बाबा जी का जिन्होंने बात संभाल ली। संत मुझे देख लेते हैं विषकन्या रूप में, एज एन ही गेट्स टू नो, बट उन्हें ये भी दिख जाता है कि उस दूध में जहर था और मैंने उनकी जान बचाई, इसलिए वो किसी को कुछ नहीं बोल रहे। अघोरी बाबा वाकई बड़े पहुँचे हुए हैं, क्योंकि महल में प्रवेश के वक्त ही उन्होंने ये भी बता दिया था कि महल पर कोई खतरा मंडरा रहा है, किसी बहुत बड़े खतरे का साया है इस राज में। वैसे इस महापर्व के लिए सितारा बड़े ही खास तरीके से सजी सवरी है। सर से पांव तक एकदम ट्रेडिशनल लुक में सितारा बेहद खूबसूरत लग रही है। जो कलर सिलेक्ट किया है मैंने वो है लाइक डीप मरून, यू नो, एंड आई लव डीप कलर्स एंड डार्क कलर्स, सो ब्लैक यू के नहीं पहन सकती, सो इसलिए मरून इज द डार्क मरून इज द क्लोजेस्ट टू द इट। सितारा ही नहीं, बाबा के सामने आने से बच रही विषकन्याएं भी सजने सवरने में आज पीछे नहीं है। गोल्डन एंड ब्लू एंड आई लाइक डार्क कलर्स, तो मुझे तो ये सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे तो इन्होंने चांदनी बना दिया है, बस एक डर ये है कि जिस तरह से मैं उछलती रहती हूँ मुझे डर रहता है कि ये काला ना पड़ जाए या इस पे खाना ना गिर जाए। अब जब हर कोई यहाँ सजा सवरा हुआ टशन दिखा रहा है तो फिर अघोरी बाबा कैसे पीछे रहते? हाँ, उनका सजने सवरने का स्टाइल जरूर थोड़ा अलग है। भभूत, रुद्राक्ष और फूल की मालाएं, साथ में त्रिशूल और डमरू धारण किए बाबा अकेले में अपनी सेल्फी लेने में लगे हुए हैं। पर्दे के पीछे का ये नज़ारा तो काफी इंटरेस्टिंग लगा। देखते हैं अब बाबा के आने के बाद महल में और क्या ट्विस्ट आएगा, जो जल्द ही हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे यकीन मानिए इस वक्त तो शिवजी का आशीर्वाद अगर किसी को चाहिए तो वो हमारी नैना को चाहिए। शादी के बाद मुंह दिखाई का मौका और नैना आ गई उल्टी साड़ी पहनकर। उसके बाद क्या हुआ अब ये तो थोड़ा आप इमेजिन भी कर लीजिए और थोड़ा देख भी लीजिए। शादी के बाद नैना का ससुराल में पहला दिन कितना सियापा भरा रहा। नई नवेली दुल्हन आई है घर में तो भाई मुंह दिखाने की रस्म तो होती है। आसपास की पड़ोसन वाली सारी आंटियां आ गई बहू रानी को देखने के लिए। अब नैना ठहरी एकदम सीधी सादी, अभी अभी तो उसने 12वीं की पढ़ाई पूरी की है तो भाई साड़ी पहनना कहाँ से सीखेगी।
अपने कमरे में उसे साड़ी जैसी पहननी आई उसने पहन ली। और जब वो साड़ी पहनकर सामने आई तो सारी आंटियां जोर जोर से हंसने लगी और तो और नैना को ताने भी देने लग गए। अभी आंटी जी भूलिए मत, आप सबके घर में भी लड़की होगी। और सोचिए जरा आपकी लड़की के साथ में भी ऐसा हो, तब भी क्या आप सब ऐसे ही हंसेंगी। अब नैना पर सबको हंसता देख सासू माँ थोड़ी सी सहम गई और नैना को वापस ले गई। अब देखिए यही तो होता है, अगर साड़ी पहनना नहीं आ रहा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भला। ये आंटी जी हंस रही हैं, अपनी हंसी को रोककर नैना को कमरे में ले जाकर साड़ी तो ठीक से पहना ही सकती थी, लेकिन ऐसा काम कहाँ करेंगी। इन्हें तो बस ताना मारना है और आने वाली बहुरानी में कमी निकालनी है। सो उन्होंने अपना काम कर दिया। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। वैसे शिवजी की पूजा आराधना करने में और उनका यूँ श्रृंगार करने में यकीन मानिए आनंद बहुत आता है। और शिवजी का ये अनोखा रूप कितना मनमोहक होता है, आइए आपको दिखाते हैं। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा की याददाश्त वापस लाने के लिए किस तरह कार्तिक ने एक बार फिर से महादेव का रूप लिया, आइए देखिए। नायरा को एक बार फिर से पाने के लिए, उसे सब कुछ याद दिलाने के लिए उसने किया वही जो उसने साल भर पहले किया था। अब आप सबको तो याद ही होगा जब नायरा कार्तिक महाशिवरात्रि के मौके पर शिव और पार्वती बने थे और गाजे बाजे के साथ आए थे बारात लेकर अपनी पार्वती यानी कि नायरा के साथ ब्याह रचाने के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं इस सीरियल में नायरा को कुछ भी याद नहीं है, यहाँ तक कि वो कार्तिक को भी भूल गई है, लेकिन उसे यहाँ पर महाशिवरात्रि की पूजा तो करनी थी जहाँ पर वो पार्वती बनने वाली है और उसका शिव बनेगा ऋषभ। अब भी कार्तिक के होते भला शिव कोई और बने, ये तो हो नहीं सकता। फिर क्या, कार्तिक ने जुगाड़ लगाया और खुद ही महादेव बन गया और आ गया नायरा के सामने ताकि उसे महादेव के अवतार में देखकर कुछ तो उसे याद आ जाए। इस बार जो डांस सीक्वेंस हो रहा है वो बहुत ही अमेजिंग है, मंदिर में यू नो बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिर से उसको शायद याद आ जाए, हम लोग यही होप कर रहे हैं कि शायद वो लोग फिर से एक हो जाए, मिल जाए। सेलिब्रेशन तो काफ़ी अच्छा होने वाला है, डांसिंग होने वाली है, ड्रामा ऑफ कोर्स बहुत है। हम लोग आते हैं यहाँ पे मंदिर में एंड हमें गोयनकाज भी दिख जाते हैं, तो ऑब्वियसली नक्श को बहुत टेंशन है कि यू नो कार्तिक ना हो, ये लोग नायरा पहचान ना जाए इन लोगों को, तो ऑफ कोर्स देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा, वॉच आउट।
अब याददाश्त आने में महादेव बने कार्तिक सक्सेसफुल होंगे या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन अपने महादेव और पार्वती वाले किरदार को निभाने के लिए कार्तिक और नायरा दोनों सक्सेसफुल जरूर हुए हैं। जड़ाऊ गहने और लाल रंग के इस ड्रेस में नायरा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, तो वहीं उनके कार्तिक वो भी महादेव के रूप में खूब जच रहे थे। महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ का आशीर्वाद इन्हें तो मिलना ही चाहिए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।